Good morning, everyone. Continuing with our last lecture, next you have that is Regulation 10 regarding procedure where certificate is not granted. अगर board certified satisfied है कि certificate जो है वो grant नहीं करना चाहिए, तो जो board है वो application को reject भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसे reasonable opportunity देनी पड़ेगी applicant को, उसकी बात सुननी पड़ेगी. जो डिसीजन है रिजेक्शन का वो एप्लीकेंट को इन राइटिंग वो विद इन 30 डेज रीजन बताते हुए कि क्यों रिजेक्ट किया है कम्युनिकेट करेगा. जो एग्रीव्ड एप्लीकेंट है वो दोबारा से अप्लाई कर सकता है बोर्ड को कि वो रिकंसीडर करे उसकी एप्लीकेशन विद इन 30 डेज जब उसे रिसीव हुआ है कम्युनिकेशन बोर्ड से. जो बोर्ड है वो दोबारा से रिकंसीडर कर सकता है एप्लीकेशन रिसबमिशन पे, और जो भी उसका डिसीजन होगा इन राइटिंग वो एप्लीकेंट को कम्युनिकेट करेगा. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू ग्रांट सर्टिफिकेट रेगुलेशन 11. अगर जो ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट कर दिया है बोर्ड ने, तो जो एप्लीकेंट है वो कैरी ऑन नहीं कर सकता कोई भी एक्टिविटी एज कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज जिस डेट से उसे रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है, जिस डेट से उसको जो इंफॉर्मेशन है मिली है कि जो रिफ्यूज है उसका सर्टिफिकेट कर दिया गया है, और जो भी उसके पास रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट सिक्योरिटीज है उसकी कस्टडी में या कंट्रोल में वो उसे ट्रांसफर करेगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज रेगुलेशन 12 कोड ऑफ कंडक्ट. हर एक जो कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज है जो कोड ऑफ कंडक्ट बोर्ड ने दिया है उसको फॉलो करेगा. वो क्या है कि जो कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज है वो मेंटेन करेगा हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी फेयरनेस और प्रोफेशनलिज्म जब अपनी वो ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा है. जो कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज है वो तत्पर रहेगा, प्रॉम्प्ट रहेगा डिस्ट्रीब्यूट करने में डिविडेंड्स इंटरेस्ट या और भी अदर इनकम जो रिसीव हो रही है अक्रूवल हो रही है या कलेक्ट वो कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट्स. जो कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज है वो कॉन्टिन्यूसली अकाउंटेबल होगा जो भी सिक्योरिटीज की मूवमेंट हो रही है कस्टडी के अकाउंट में इन एंड आउट. जो भी डिपॉजिट और विड्रॉल कैश का हो रहा है क्लाइंट के अकाउंट से उसका कंप्लीट ऑडिट बताएगा वो, और जहाँ पे भी कॉल किया जाएगा उसे क्लाइंट के या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा, तो वहाँ पे वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसकी देगा. जो कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज है वो एस्टैब्लिश करेगा मेंटेन करेगा एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ताकि वो कस्टोडियल सर्विसेज टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट वो प्रोवाइड करवा सके. जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर है सिस्टम्स है कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज के लिए वो वेल डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए और ऑपरेशनल मैनुअल्स प्रॉपर होने चाहिए. जो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा अपने हर एक क्लाइंट के अफेयर्स के लिए. देन जो कस्टोडियन रिकॉर्ड्स है उसे वो इलेक्ट्रॉनिकली रखेगा. जो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज है वो हर एक नेसेसरी प्रिकॉशन लेगा ये इंश्योर करने के लिए कि रिकॉर्ड कीपिंग में कंटिन्यूटी रहे और किसी भी तरीके से जो रिकॉर्ड है वो लॉस्ट ना हो डिस्ट्रॉय ना हो उसके लिए वो सफिशेंट बैकअप रखेगा. जो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज है वो क्रिएट करेगा मेंटेन करेगा रिकॉर्ड सिक्योरिटीज के जो भी उसकी कस्टडी में है, और अगर लॉस हो जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का तो उसके पास ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए कि कहाँ से वो सिक्योरिटीज को ट्रेस कर सकता है या डुप्लीकेट टाइटल डॉक्यूमेंट्स को वो ऑब्टेन कर सकता है. जो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज है वो अदर कस्टोडियल एंटिटीज को एक्सटेंड कर सकता है डिपॉजिटरी क्लियरिंग ऑर्गेनाइजेशन उन सब की कॉपरेशन वो ले सकता है और जो उसके बिजनेस के कंडक्ट के लिए ज़रूरी है. इंटर कस्टोडियल सेटलमेंट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स जो हैं वो ये सारी सर्विसेज जो है वो एक्सटेंड कर सकता है. देन जो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज है वो इंश्योर करेगा कि डिस्टेंस मेंटेन हो जो उसका स्टाफ है सिस्टम है, और अगर उसका कोई और बिजनेस है तो दूसरे बिजनेस में और कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज के बिजनेस में जो भी स्टाफ है जो भी उसके सिस्टम्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए. देन हर एक कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सरसाइज करेगा ड्यू डिलीजेंस जब वो सेफ कीपिंग रख रहा है अपने क्लाइंट के एसेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है एसेट्स की क्लाइंट्स की जो भी उसकी कस्टडी में है. देन एक जो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज है या जो भी उसका एम्प्लॉय है
वो किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी सिक्योरिटी के बारे में पब्लिकली असेसिबल मीडिया में नहीं देगा। अगर जो उसका एम्प्लॉई है या वो खुद जो कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज की सर्विसेज के रिगार्डिंग ऐसा कुछ एडवाइस देता है तो वो अपना इंटरेस्ट जो उसका है उसमें या डिपेंडेंट फैमिली मेंबर का जो इंटरेस्ट उसमें है, चाहे वो लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन में हो किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर, उसमें वो उसे डिस्क्लोज करेगा। देन नेक्स्ट इज योर सेग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज रेगुलेशन 13, जहाँ पे कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज कैरी ऑन कर रहा है इन एडिशन टू कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज कोई अदर एक्टिविटीज, तो जो भी उसकी एक्टिविटीज रिलेटेड है उसके बिजनेस एज कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज से, वो सेपरेट होनी चाहिए सारी एक्टिविटीज जो दूसरी वो कर रहा है उससे। उसके ऑफिसर एम्प्लॉयज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं कस्टोडियन सर्विसेज, वो भी किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग, रिव्यू, इवेलुएटिंग एंड इंस्पेक्टिंग सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स रेगुलेशन 14। जो कस्टोडियन है उसके पास एडिक्वेट मैकेनिज्म होना चाहिए रिव्यू, मॉनिटर और इवेलुएट करने के लिए कस्टोडियन के कंट्रोल सिस्टम्स को, प्रोसीजर्स को, सेफगार्ड्स को। जो कस्टोडियन है वो सिस्टम को इंस्पेक्ट करवाएगा एनुअली किसी भी एक्सपर्ट से और फॉरवर्ड करेगा अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट को बोर्ड के पास जिस डेट को इंस्पेक्शन हुई है उसके विद इन 3 months। Then prohibition of assignment regulation 15, जो custodian of securities है वो किसी और को assign या delegate अपने functions नहीं कर सकता unless अगर वो जो दूसरा person है वो भी custodian of securities ना हो। लेकिन जो custodian of securities है वो engage कर सकता है किसी दूसरे person को services देने के लिए, custodian की services देने के लिए नहीं बल्कि फिजिकल सेफ कीपिंग रखने के लिए जो भी गोल्ड उसके क्लाइंट्स का है उसको। लेकिन कुछ कंडीशंस उसके लिए एप्लीकेबल होंगी, वो क्या, रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियन ही रहेगा क्लाइंट की, क्लाइंट को जो भी उसके गोल्ड की सेफ कीपिंग है उसके लिए। ऑल बुक्स, डॉक्यूमेंट्स या अदर रिकॉर्ड्स जो भी रिलेटेड है गोल्ड से या जो भी उसने अदर पर्सन के पास रिखवाया हुआ है वो उसके खुद के प्रमिसेस में होना चाहिए और उसे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जब भी उसे डिमांड किया जाएगा। जो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज है वो कंटिन्यू करता रहेगा टू फुलफिल ऑल हिज ड्यूटीज टू द क्लाइंट रिलेटेड टू गोल्ड जो भी उसने दूसरे पर्सन के पास रखवाया है एक्सेप्ट फॉर इट्स फिजिकल सेफ कीपिंग। कहने का मतलब कि वो दूसरे पर्सन की सर्विसेज ले सकता है सिर्फ गोल्ड को सेफ रखने के लिए, उसकी पास फिजिकली सेफ रखने के लिए, लेकिन जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो कस्टोडियन ऑफ सर्विसेज की ही रहेगी, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज की ही रहेगी। देन नेक्स्ट इज योर सेपरेट कस्टडी अकाउंट रेगुलेशन 16। जो कस्टोडियन है वो सेपरेट कस्टडी अकाउंट ओपन करेगा हर एक क्लाइंट का उसके नेम में, और जो भी एसेट है क्लाइंट की वो मिक्स नहीं करेगा दूसरे क्लाइंट के एसेट्स के साथ। देन एग्रीमेंट विद द क्लाइंट रेगुलेशन 17। कस्टोडियन एंटर करेगा एग्रीमेंट में हर एक क्लाइंट के साथ और उस एग्रीमेंट में कुछ मैटर्स लिखे होने चाहिए, वो क्या है, किन सर्कमस्टांसिस में जो कस्टोडियन है वो एक्सेप्ट करेगा या रिलीज करेगा सिक्योरिटीज कस्टडी अकाउंट से, किस सर्कमस्टांसिस में कस्टोडियन एक्सेप्ट करेगा या रिलीज करेगा मनी जो भी कस्टडी अकाउंट में है, किन सर्कमस्टांसिस में जो कस्टोडियन है वो रिसीव करेगा जो भी राइट्स और एंटाइटलमेंट्स सिक्योरिटीज पे मिलनी है क्लाइंट की, और जो भी किस सर्कमस्टांसिस और मैनर में जो रजिस्ट्रेशन है सिक्योरिटीज का वो होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लाइंट, और जो भी डिटेल्स हैं इंश्योरेंस की वो जो प्रोवाइड करवा रहा है कस्टोडियन वो उसको पूरा एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर इंटरनल कंट्रोल रेगुलेशन 18। जो कस्टोडियन है उसके पास एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए किस चीज़ के लिए, कि रिकॉर्ड्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें किसी तरीके का मैनिपुलेशन ना हो, इंक्लूडिंग ऑडिट सिक्योरिटीज का होना चाहिए प्रॉपर, उसके लिए उसके पास प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए राइट्स एंटाइटलमेंट्स जो भी सिक्योरिटीज उसके पास हैं, उसके जो भी क्लाइंट की सिक्योरिटीज उसके पास हैं उसके ऊपर पूरा उसका इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए कि उसमें कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, और उसके पास अप्रोप्रिएट सेफ कीपिंग मेजर्स होने चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि जो सिक्योरिटीज एसेट्स डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें किसी भी तरीके के थेफ्ट या नेचुरल हैजार्ड से प्रोटेक्ट किया गया है।
प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, उसके पास प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए उसके लिए. देन नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रेगुलेशन 19. जो कस्टोडियन है वो मेंटेन करेगा रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से वो रिकॉर्ड्स जिसमें डिटेल्स हैं सिक्योरिटीज की जो भी उसने रिसीव की है या रिलीज की है ऑन बिहाफ ऑफ ईच क्लाइंट, रिकॉर्ड्स जिसमें डिटेल है मनीज जो उसने रिसीव या रिलीज की है ऑन बिहाफ ऑफ ईच क्लाइंट, रिकॉर्ड्स जिसमें डिटेल्स है राइट्स या इंटाइटलमेंट्स की हर एक क्लाइंट की जो अराइज हुई है सिक्योरिटीज के ऊपर जो उसने हेल्ड करके रखी है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, रिकॉर्ड्स जिसमें डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज की इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लाइंट, लेजर हर एक क्लाइंट का, रिकॉर्ड्स जिसमें डिटेल है इंस्ट्रक्शंस जो उसे मिली है या उसने सेंड की है अपने क्लाइंट्स को, रिकॉर्ड्स सभी रिपोर्ट्स की जो उसने बोर्ड को सबमिट करवाई है और वो इंटीमेट करेगा बोर्ड को कहाँ वो सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखे हैं उसने, और रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स उसे फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स उसे मेंटेन करके रखने हैं. नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर रेगुलेशन 19A. जो कस्टोडियन है वो अपॉइंट करेगा एक कंप्लायंस ऑफिसर को जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये मॉनिटर करना कि जो भी एक्ट है, एक्ट के रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस जो बोर्ड इशू कर रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है वो फॉलो हो रही है या नहीं, और इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस को रीएड्रेस किया जा रहा है या नहीं. ये जो ऑफिसर है वो इमीडिएटली अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बोर्ड को देगा अगर उसे लगता है कि कोई भी रूल्स रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस हो रहा है. देन इंफॉर्मेशन टू द बोर्ड रेगुलेशन 20. जो बोर्ड है वो किसी भी टाइम पे कस्टोडियन से कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है और ये ड्यूटी है कस्टोडियन की कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में बोर्ड को वो इंफॉर्मेशन सबमिट करे. नेक्स्ट जो हमारे रेगुलेशंस है वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.